हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सबका, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक बार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिना पेमेंट बैंक का कुछ ऑफिशियल खास बात जो हमारा यूट्यूब चैनल का तरफ से लाइव होने वाला है। तो गाइस, अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक वाला बाबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा के आपका दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मैं अभी जो वीडियो बनाने वाला हूँ सिर्फ लाइव में बोलो तो लाइव बोलो तो मैं फेस स्क्रीन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत भाई लोग मेरे को फेस स्क्रीन वीडियो बनाने को बोला था तो मैं उसी का रिकॉर्डिंग इस वीडियो बना रहा हूँ। फेस स्क्रीन वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट लग रहा है आप लोगों के साथ बात करके, क्योंकि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट दे रहे हैं इसीलिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट जो होता है मर्चेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ऑनलाइन का थ्रू, वो भी आपको कितना दिन का बाद कॉल आता है, सब भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आप फिनो पेमेंट बैंक का टोल फ्री नंबर कैसे हम लोग निकालेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो गाइस, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोग ऐसे लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो हम लोगों को यूट्यूब चैनल में मिलते रहेगा। तो जिन भाई लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखा तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहो मेरे को, क्योंकि आप लोगों को प्यारे मेरे को इतना कुछ करने को सुविधा मिला है। तो गाइस, आपका मेरा पीछे आप लोगों को देखने को मिल रहा है मेरा सेटअप, क्योंकि मेरा इतना क्लियर सेटअप नहीं है तो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट दे रहे हैं उतना उसीलिए मैं सेटअप में आया हूँ। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और इस वीडियो का माध्यम से हम लोग बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ऑनलाइन का थ्रू। तो सबसे पहले आपको बताएंगे, हम लोग अभी जाने वाले हैं मोबाइल स्क्रीन में। तो गाइस, मोबाइल स्क्रीन में जाने के लिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हम लोग इस वीडियो का मतलब से मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे और कैसे आप लोग टोल फ्री नंबर निकलेगा, टोल फ्री नंबर में क्या आपको निकलना पड़ता है वो भी इस वीडियो का मतलब से बात करेंगे। तो गाइस, हम लोग अभी जाने वाला है मोबाइल स्क्रीन में, तो लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग आ गया है मोबाइल स्क्रीन में, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो मैं लाइव में आया आने के बाद बोलो तो मैं लाइव बोलो तो फेस स्क्रीन करने के बाद अभी मैं मर्चेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इसमें सर्च करना है, इसमें आपको सर्च करना है फिनो पेमेंट बैंक डॉट कॉम। तो इसमें फिनो बैंक डॉट कॉम बोल के सर्च करना है, तो इसमें क्या करेंगे FINO फिनो बैंक डॉट कॉम। तो इससे फिनो बैंक डॉट कॉम में क्लिक करने के बाद इसमें आपको एक इंटरफेस ऐसे खोल जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है डेस्कटॉप सेट कर लेना है, जो थ्री डॉट क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में मिल जाता है डेस्कटॉप सेट करने का ऑप्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपका ऐसा एक इंटरफेस खोल जाता है। तो इसमें बोल रहा है वी हैव, इसमें बोलो दी कॉम्प्लीट योर रूरल मार्केटिंग अवार्ड। तो इसमें देखो बोलो तो इसमें अवार्ड भी मिल जाएगा, फिनो बैंक की तरफ से अवार्ड भी मिलता है, बहुत मिला है इस कंपनी के द्वारा, बोलते इस कंपनी इतना सुपर फर्स्ट कंपनी है, इसमें अवार्ड भी मिला है कंपनी का तरफ से, तो वो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मर्चेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जस्ट क्लिक करने के बता देंगे। तो देखो बहुत भाई लोग क्या होता है बोलो तो कस्टमर केयर का नंबर नहीं मिलता है, तो कस्टमर केयर का नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कस्टमर केयर का नंबर लेने के लिए आपको ए वाला ऑप्शन ज्वाइन कर लेना है। कस्टमर केयर नंबर इसमें आ जाता है 1860226346066। तो इसमें आपको मिल जाता है कस्टमर केयर का नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, मर्चेंट अकाउंट में क्लिक करेंगे। तो मर्चेंट अकाउंट में क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक फॉर्म आ जाएगा शायद, तो इसमें नीचे देखेंगे तो नहीं आया, तो इसमें क्या करेंगे मर्चेंट में क्लिक कर देंगे। तो मर्चेंट में क्लिक करने के बाद इसमें आपको बताएंगे इसमें आप लोगों को थोड़ा वेट करो। तो क्या करेंगे इसमें, सॉरी गाइस, आपको मर्चेंट करने के बाद इसमें अप्लाई नाउ में क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद इसमें बोल रहे हैं ICICI बैंक लोन बोरोड, इसमें सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट। तो जो मर्चेंट अकाउंट होता है इसमें करंट अकाउंट ही होता है, ठीक है। इसमें करंट अकाउंट के लिए आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें आपको इसमें आएगा पारगेट करंट अकाउंट, तो इसमें पारगेट करंट अकाउंट में क्लिक कर देना है। देन क्रिएट करने के बाद, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपको तो पूरा जानकारी बताना है ना, तो इसमें देखो मर्चेंट बोल के ऑप्शन आ जाता है इसमें देखो। तो इसमें फिर से मैं अप्लाई में क्लिक करेंगे, करंट में क्लिक करेंगे, इसमें प्रथमा इसमें पॉर्गेट अकाउंट में क्लिक कर देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट नाम डाल देना है, जो आपका नाम है इसमें डाल देना है। तो मेरा इसमें जो नाम है मैं डाल दिया हूँ, इसमें फुल नेम आपको डालने को बताएगा, ठीक है। इसमें आपका जो फुल नेम है आपको डाल देना है। डालने के बाद देखो इसमें मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो इसमें मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी डाल दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, मेरा जो मोबाइल नंबर है इसमें डाल दिया, देखो इसमें सब भी शो हो गया है, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शॉप नेम
सभी शो होने के बाद क्या करना है, इसमें सिंपल आपको नीचे देखना है इसमें क्या भी और मांग रहा है क्या। तो इसमें आपको अप्लाई नाम में क्लिक कर देना है। अप्लाई नाम में क्लिक करने के बाद देखो इसमें बोल जाएगा आपको थैंक यू योर रिक्वेस्ट बीन सबमिट सक्सेसफुल। तो इसमें आपको ऐसा है आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आपको देखो मिस कॉल मारने के भी एक नंबर मिल जाता है, जो मिस कॉल मारेगा तो आपको इसमें लिंक शेयर आ जाएगा। तो गाइस वीडियो में हम लोग इतना कुछ सीखा है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो और आपको दोस्तों को बोलो, तो आपको दोस्तों को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो गाइस वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।